मिर्जा साफी गुलपैगानी अपनी किताब जमाल मुंतजर सफा नंबर 541 पर साद बिन अब्दुल्ला अल कुम्मी से रिवायत नकल करते हैं। साद बिन अब्दुल्ला अल कुम्मी कहते हैं कि मेरे पास 40 सवाल ऐसे थे कि मैं जिस भी आलिम के पास जाता वो उनके जवाब मुझे नहीं दे पाता, और अगर देता तो वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं होते। मैं परेशान हैरान, मैंने सोचा इन सवालों के जवाब किससे तलब करूं। फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं इन सवालों के जवाब 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सहाबी अहमद बिन इसहाक से मैं इन सवालों का जवाब पूछूं। साद बिन अब्दुल्ला अल कुम्मी कहते हैं कि मैं यही सोचते हुए उनके घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा अहमद बिन इसहाक के, मुझे मालूम हुआ कि अहमद बिन इसहाक सामर्रा गए हुए हैं मौला के पास कुछ तोहफे तहफ लेकर। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं भी उनके पीछे हो लिया, और यही सोचते हुए कि रास्ते में किसी मंजिल पर उनसे मुलाकात हो जाएगी और मैं उनसे अपने सवालों के जवाब भी पूछ लूंगा अहमद बिन इसहाक से, और मौला की जियारत भी कर लूंगा। साद बिन अब्दुल्ला कुम्मी कहते हैं कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई कुछ मंजिल के बाद तो हम सामर्रा के करीब पहुंच चुके थे। मैंने जाकर सलाम किया और मैंने कहा अहमद बिन इसहाक, मैं आपके यहां गया था लेकिन मुझे मालूम हुआ कि आप सामर्रा तशरीफ ले गए हैं तो मैं आपके पीछे आ गया। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे और मुझे उन सवालों के जवाब कोई दे नहीं पा रहा है, कोई नहीं बता पा रहा है मुझे उन सवालों के जवाब। तो एक मर्तबा अहमद बिन इसहाक ने कहा कि मैं आपको इन सवालों के जवाब तो बता दूंगा, मसला कोई नहीं है, लेकिन बेहतर है सामर्रा करीब है कि आप 11वीं हुज्जत इमाम हसन अस्करी से इन सवालों के जवाब पूछें। साद बिन अब्दुल्ला ने कहा जी बिल्कुल, आप बेहतर कहते हैं, सही कहते हैं आप। तो साद बिन अब्दुल्ला आगे कहते हैं कि जब हम सामर्रा पहुंचे, हमने इमाम के दरवाजे पर जाने के बाद दखल बाब किया, हमें इजाजत मिली। जब हम अंदर दाखिल हुए हमने देखा कि इमाम के हाथ में कलम है, इमाम कुछ लिख रहे हैं और इमाम की जानों पर एक 4 साल का बच्चा बैठा हुआ है। कहते उस बच्चे का चेहरा ऐसे जैसे 14वीं का चांद हो चमक रहा था। फौरन अहमद बिन इसहाक ने इमाम के सामने तोहफे तहाइफ पेश किए और कुछ दीनार और दिरहम की थैलियां पेश की। इमाम ने उस 4 साल के बच्चे से कहा कि बेटा जरा इन थैलियों को खोलो। उस 4 साल के बच्चे ने कहा बाबा मैं उन थैलियों का हाथ लगाऊं कि जिनमें हराम और हलाल माल मखलूत है। मौला ने कहा 11वीं हुज्जत ने इमाम हसन अस्करी ने कहा अहमद बिन इसहाक आप खोलें। अहमद बिन इसहाक ने वो थैली खोली और एक मर्तबा 11वें इमाम 4 साल के बच्चे से कहते हैं कि आप इन थैलियों में जो दीनार और दिरहम है जरा बताइए कौन हराम है और कौन सा हलाल है और कौन से किसका है। कहते तो 4 साल के बच्चे ने बताया ये इतना माल फुला शख्स का है, फुला माल ने इस तरीके से इस माल को हासिल किया, फुला शख्स का ये है, ये हलाल है और ये हराम है। एक मर्तबा 11वें इमाम ने कहा अहमद बिन इसहाक तुम्हें हमारे एक चाहने वाली खातून ने, एक हमारी मुहिब्बा ने तुम्हें कपड़ा भेजा था, वो कहाँ है। साद बिन अब्दुल्ला कुम्मी कहते कि अहमद बिन इसहाक परेशान हो गए और कहते वो छोटा सा कपड़ा था, शायद मैं कहीं उस कपड़े को भूल गया। एक मर्तबा उठे बाहर अपनी सवारी की तरफ गए उस कपड़े को तलाश करने के लिए। फौरन साद बिन अब्दुल्ला कहते कि इमाम मेरी तरफ मुखातब हुआ। इमाम ने कहा साद बिन अब्दुल्ला कैसे आना हुआ। मैंने कहा मौला शौक ज़ियारत, आपकी ज़ियारत के लिए। मौला ने कहा और वो 40 सवाल जो तुम्हें कोई बता नहीं पा रहा और तुम उन सवालों के जवाब की तलाश में हो, कहां मौला। साद बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मौला ने उस 4 साल के बच्चे की तरफ इशारा किया कि इस बच्चे को पहचानते हो। मैंने कहा नहीं मौला। एक मर्तबा मौला ने कहा साद बिन अब्दुल्ला ये तुम्हारे आका, तुम्हारे मौला हुज्जत खुदा, ये बकियतुल्ला, ये महदी है, ये मुंतकिम खून हुसैन है, ये कायम है, जाओ हमारे बेटे से इन अपने सवालों के जवाब पूछो। कहते मैं खुश, कहा मैंने सलाम किया इमाम जमाना को, इमाम महदी को। सलाम करने के बाद इमाम ने कहा कि साद बिन अब्दुल्ला, 4 साल के इमाम, इमाम कह रहे साद बिन अब्दुल्ला जो तुम्हारे सवाल हो हमसे मालूम करो, हम हुज्जते खुदा हैं। साद बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने कहा मौला हम आप हजरात से एक रिवायत नकल करते हैं, रिवायत यह है कि रसूल अल्लाह ने अपनी अजवाज को तलाक देने का इख्तियार इमाम अली को दे दिया था और जंगे जमल में अमीरुल मोमिनीन ने एक शख्स को
हजरत आयशा के पास भेजा और कहलवाया कि तुम्हारे इस फितने ने मुसलमानों के दरमियान इफ्तराक पैदा कर दिया है और तुम्हारी इस जहालत ने मुसलमानों को हलाकत के दहाने बनाकर खड़ा कर दिया है, और देखो अगर तुमने मुझसे चश्मपोशी नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और अगर तुमने चश्मपोशी की और मैं तुम्हें यहां से रवाना कर दूंगा, मैं तुम्हें यहां से भेज दूंगा। साद बिन अब्दुल्ला कहते, मैंने कहा मौला, जब रसूल अल्लाह उस दुनिया में बाकी ही नहीं रहे थे तो अब तलाक की क्या जरूरत, तलाक तो खुद ब खुद हो गई। कहते इमाम, 4 साल के इमाम ने कहा, साद बिन अब्दुल्ला उम्मी, ये बताओ अगर तलाक खुद ब खुद हो गई थी रसूल अल्लाह की वफात के बाद, तो अजवाजे रसूल पर किसी से अब्द करना क्यों हराम करार दिया गया कि उनसे अब्द नहीं हो सकता, न वो किसी से अब्द कर सकती हैं। साद बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने कहा कि अल्लाह ने उनसे अब्द करना हराम करार दिया था, और हराम करार कर दिया था कि रसूल अल्लाह से अब्द के बाद अजवाजे रसूल से कोई अब्द नहीं कर सकता। तो मौला ने कहा आदत रसूल, उनके लिए रास्ता खाली था। एक मरतबा साद बिन अब्दुल्ला ने कहा, मौला मेरी समझ में नहीं आया, आप ही बताएं कि जो मौला अली ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा वरना मुझसे चश्मपोशी कर लो, तो वो कौन सी तलाक थी? मौला मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो रसूल अल्लाह ने कौन सा इख्तियार मौला अली के सुपुर्द किया था? तो मौला ने कहा, सुनो, अल्लाह ने अजवाजे रसूल को बहुत ही ज्यादा बुलंद मर्तबा अता किया, उनकी बहुत बुलंद, उनकी शान बहुत बुलंद उन्हें अता की, और उन्हें मोमिनीन की मां करार दिया। लेकिन सुनो, रसूल अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन से कहा, या अबुल हसन, इनका मर्तबा, इनकी इज्जत, इनका एहतराम, इनका वकार तब तक बाकी है जब तक कि ये इताअत इलाही करती रहे, जब तक कि ये हुक्म खुदा को मानती रहे। यानी अगर इनमें से कोई भी तुम्हारे मुकाबले में आ जाए, तुम्हारे खिलाफ खुरूज करे, तुमसे जंग करे और अहकाम इलाही को भूल जाए, तो यानी तुम्हें इख्तियार है कि तुम इनमें से जो भी तुम्हारे मुकाबले पे आ जाए उसे तलाक दे दो और मेरी ज़ौजियत से खारिज कर दो और उसे उम्मुल मोमिनीन होने से महरूम कर दो। का ये तलाक थी अगर कोई भी